लाइसोसोम्स क्या है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और क्या रहता है इसमें? लोग देखे थे पिछले क्लास में, आई थिंक इन्होंने बताया था क्या रहता है लाइसोसोम में। फिल्ड विथ, इट इज फिल्ड विथ मैनी हाइड्रो हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स। अभी हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? जो वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर काफी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। तो किस किस टाइप का एंजाइम्स होता है? लाइक कार्बोहाइड्रेसेस, है ना, या अमाइलेस, अमाइलेस, प्रोटीएस, लाइपेस, न्यूक्लियस। ये मतलब क्या है कि ये किसको किसको डाइजेस्ट कर सकता है, लिख लेना। अमाइलेज जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, दैट इज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएस को डाइजेस्ट करेगा। तो भाई आयुष, यस सर, किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीएस। आयुषी, ईशा, सर प्रोटीन को, प्रोटीन को। लाइपेसिस किसको डाइजेस्ट करेगा? भूमि, लिपिड को। और संयोगिता, न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करेगा? संयोगिता सर, न्यूक्लिक एसिड। हाँ, न्यूक्लिक एसिड। वृद्धि, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? हेमंत, सर जो डीएनए के आजू बाजू रहते हैं उसको। चीनो किसको बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? चीनो, अमन, रेणुका, यस सर, किसको बोलते हैं? सर नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। राशि, रुको रुको, राशि, आयुष्टि, यस सर, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? नहीं बोलो सर, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डी ऑक्सीराइबो और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए और आरएनए को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियस, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब इसमें देखो बेटा, अच्छा ये कैसे बनता है? हम लोगों ने देखा ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी, है ना, एज पैकेजिंग वेसिकल, एज अ पैकेजिंग वेसिकल्स। पैकेजिंग वेसिकल समझते हो ना आप लोग? जैसे कि गोल्जी बॉडी जो रहता है ना, ऐसा गोल्जी बॉडी जो रहेगा वो ऐसा क्या बनाता है बेटा? वेसिकल्स बनाता है, फिर ये वेसिकल अलग हो जाएगा और ये, तो गोल्जी बॉडी जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है। और ये एंजाइम स्टार्ट होता है एक्चुअली एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो रहता है ये क्या बनाएगा? अमीनो एसिड की चेन बनाएगा, लाइक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अमीनो एसिड की चेन बनाएगा। अमीनो एसिड चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। फिर इसका मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में बनेगा और एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनता है, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। तो कुल मिलाकर के भैया एंजाइम जो होते हैं वो क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं वो क्या होता है?
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स है, ये सब प्रोटीनस होते हैं, मतलब अमीनो एसिड चेन से ही बनते हैं, है ना। तो ये सब जो है बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी से पैकेजिंग वेसिकल के रूप में बनेगा, और ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। और अगर हम बात करें तो मेनली लाइसोजाइम्स जो रहता है वो एनिमल सेल से मिलता है, और वैक्यूल जो रहता है कैसे प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट इन बोलो प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल एक्सेस लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम के जैसा काम करता है कौन, वैक्यूल, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो वैक्यूल में भी वो सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो लाइसोसोम्स में होते हैं, और वैक्यूल में वही सब हाइड्रोलिसिस डाइजेशन ये सारा चीज होता है। तो बेटा अब ये लाइसोसोम जो रहता है मेनली, जैसे कि अगर कोई चीज है जैसे स्टार्च वगैरह है ना, स्टोर्ड है स्टार्च, जैसे भाई मान के चलो कि हम सेल में क्या करते हैं, स्टार्च दैट इज ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। तो ग्लूकोज को स्टोर दो तरीके से करते हैं, एक तो प्लांट करेगा, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज को स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, प्लांट्स स्टार्च, स्टार्च स्टार्च, और अगर एनिमल करेगा तो ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना है जैसे स्टोर्ड फूड का, लाइक ग्लाइकोजन या स्टार्च या प्रोटीन है सेल के अंदर या लिक्विड है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करना है तो लाइसोसोम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइसोसोम के पास वो सारे एंजाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो स्टार्च लेते हैं राइस व्हीट के फॉर्म में, प्रोटीन लेते हैं दाल सोयाबीन के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड लेते हैं, फैट लेते हैं ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम खाने में खाते हैं ये हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या होता है, ये सब होता है अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस, ये सारी चीजें जो है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, समझ आ रहा है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने, अच्छा उसमें आप लोगों ने पूछा था ना मेरे से कई बार, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था, याद आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, तो आप लोगों का एक डाउट था कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा है ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब। तो इंटेस्टाइन या स्टमक में होता है, तो बेटा ये इंट्रा बॉडी डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर नहीं है, स्टमक इज नॉट अ सेल, इंटेस्टाइन इज नॉट अ सेल, ये एक ऑर्गेन, तो ऑर्गेन के अंदर हो रहा है ना, तो एक खाली जगह में, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन सेल के अंदर भी तो फूड डाइजेस्ट हो सकता है, जैसे बहुत सारे सेल होते हैं, एनिमल किंगडम में भी पढ़े हो आप लोग, एनिमल्स में भी इंटर सेलुलर डाइजेशन होता है। बताओ मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, परवेश ठाकरे बताएंगे कि कौन से फाइलम के एनिमल्स में होगा। आपका क्वेश्चन क्या है, इंटर सेलुलर डाइजेशन कौन सा एनिमल के सेल में होगा, फाइलम कौन से फाइलम के एनिमल्स में होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो फूड इंटेक करते हैं उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। हाँ बोलो भाई। सर पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में याद आ रहा है आप लोगों को, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है मेनली, और सिलेंट्रेटा में इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। यस सर, यस सर, कुछ याद आ रहा है, अभी पूरा मेजर टेस्ट है ना आप लोगों का, नालू में ना, यस सर, सब देने वाले हैं। सर कितने मार्क्स का, 720 टोटल, जितना नीट में आता है, 3 घंटे का, 3 घंटा बिल्कुल बेटा आप लोग ना फोन डिस्टर्ब ना होने पाए, जैसे लिंक टूटेगा तो क्या आप लोग पेपर सबमिट हो जाएगा, 3 घंटा थोड़ा सा ध्यान से, है ना, कॉल ऑल ना आए ये सब का ध्यान रखेंगे। और जो मेजर टेस्ट में अच्छा लाता है बेटा उसको हम लोग प्राइज भी देते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, ठीक है। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ बोलो। सर गिफ्ट में क्या है, गिफ्ट
गिफ्ट को बता देंगे तो फिर गिफ्ट का मतलब क्या हुआ है ना, पहले समझ रहे थे। स्कूल के एग्जाम्स होने वाले तो इसके लिए कैसे करेंगे इसका बेटा? स्कूल का एग्जाम देखो बेटा, ये सब आपको मैनेज करना है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फ्रेशर, वो स्कूल और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी को वो ना मैनेज करते हैं। थोड़ा हार्डवर्क लगता है, मेहनत लगता है। दूसरी चीज ऐसी सब बोलते हैं इसीलिए। चलो तो तो वैक्यूल जो रहता है प्लांट सेल में वो लाइसोसोम के जैसा इसका फंक्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इंटर सेलुलर डाइजेशन, तो बेटा जब सेल के अंदर कोई चीज को डाइजेस्ट करना है, कोई फूड को डाइजेस्ट करना है, उसे एनर्जी रिलीज करना है, तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं दैट इज हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स, वो काम करते हैं और सेल के अंदर जो भी फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक कर देंगे। कभी कभी जो स्टार्विंग सेल होते हैं जो एकदम जैसे बॉडी भूखा है, तो जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो कई बार ऐसे सेल्स को भी खा जाते हैं जो डेड एंड डिकेइंग है। तो कई बार जो बूढ़े सेल्स होते हैं, या डिसीज्ड सेल्स होते हैं, मतलब जो वो सेल जो इन्फेक्ट हो गए हैं, डिसीज्ड हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं, अब वो काम के नहीं है बॉडी के लिए, तो वो क्या होता है बेटा, वो सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मतलब डीएनए खुद ही असर करता है कि लाइसोसोम को बर्स्ट करवा देता है, जिससे कि सेल के अंदर लाइसोसोम अगर पूरा का पूरा ये एंजाइम रिलीज कर दिया तो सेल के अंदर का सारा मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है और वो सेल क्या हो जाता है बेटा, बर्बाद हो जाता है। फिर उस सेल को हमारे फेगोसाइटिक सेल खाके वो जगह को साफ कर देते हैं। फेगोसाइटिक सेल मालूम है ना आप लोगों को, है ना, जो ऐसे सेल जो कि है ना डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डेब्रिस जो रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनको खा जाते हैं, है ना। तो ये सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक बॉडी में होते रहता है। चलिए तो ये हो गया। देन उसके बाद अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में लाइसोसोम का काम कौन करता है भाई? बैक्टीरिया में लाइसोसोम का काम जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो लाइसोसोम के जैसा काम करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो रहता है ये ऑन सेल में होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है, आपको मालूम है ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो भैया मैंने आपको ये चीज बताया है कई बार कि आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, है ना, आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, याद आ रहा है? तो लाइसोसोम भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पूरा लिखूंगा नहीं मैं, लिखने से अच्छा ही आप लोग देख लो। डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, इंटरसेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ हार्मफुल अनवांटेड मटेरियल, है ना, फीडिंग ऑफ स्टार्विंग एनिमल बाय डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, ऑटोफेगी बोलते हैं, ऑटोफेगी मतलब खुद की चीजों को खाना, है ना, ऑटोलिसिस अकर इन एजिंग, ऑटोलिसिस समझते हो, सेल खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है, तो मैंने समझाया अभी, एजिंग समझ रहे हो बुढ़ापे में, ठीक है, डेड एंड डिसीज्ड सेल का ऑटोलिसिस होगा। ऑल्सो हैव बीन डिसअपीयरेंस ऑफ टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग्स टैडपोल, फ्रॉग टैडपोल का मालूम है टैडपोल क्या होता है? अरे बाबा टेडपोल, टेडपोल लार्वा है, yes, तो अब भाई ये फ्रॉग का टेडपोल है, ये आगे चल के क्या बनेगा? फ्रॉग, फ्रॉग ही बनेगा ना, yes, sir. तितली थोड़ा बन जाएगा। तो टेडपोल से फ्रॉग बनेगा, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल इज अ लार्वा, लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं ना, बोलो, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस हो गया। तो भैया फ्रॉग जो रहता है दे आर टेललेस, टेललेस होता है, और टेडपोल लार्वा जो रहता है इसमें टेल होता है, तो टेल जो रहता है वो क्या होता है, ऑटोफेगी होता है। टेल में जितने सेल्स होते हैं है ना, उसका जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट होता है और फिर सारे एंजाइम रिलीज होंगे और टेल के जितने सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ऑटो डाइजेशन चालू हो जाता है।
तो धीरे धीरे ऑटोडाइजेशन होगा, धीरे 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 क्या होगा बेटा, ऐसा 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 लेस एंड फिर स्ट्रॉन्ग बन जाए, समझ जा रहा बात। ये इवन हमारे इस टाइप का प्रोसेस जो रहता है हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी हमारे पास टेल होता है, मतलब एक इंसान का बच्चा जब डेवलप होते रहता है 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड में तो भी उसका टेल रहता है, तो टेल धीरे धीरे रेड्यूस होता है, नाक ऐसे बाहर की तरफ रहता है, मुंह बाहर की तरफ रहता है, धीरे धीरे रेड्यूस होता है, तो बहुत सारे अलग अलग जो शेप एंड साइज के होते हैं तो शेप साइज हमारे चेंज होते हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। चलो तो अब उसके बाद अपन देखेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, वैक्यूल, वैक्यूल किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, किस में पाया जाता है बेटा, ठीक है तो जो भी पढ़ेंगे सब यूकैरियोटिक सेल में होगा, वो तो मैं ऐसे ही पूछ दिया, आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है कि नहीं। तो वैक्यूल प्लांट सेल में होगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस दिखाया था, वैक्यूल yes, बहुत बड़ा साइज का होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, नहीं याद आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. है ना, जो लोग अभी हो सकता है सो रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, प्लांट सेल एनिमल सेल, ये इधर है, ये देखो इसमें वैक्यूल का है, बताओ ये प्लांट सेल है, येलो एनिमल सेल, ये देखेगा इतना बड़ा प्लांट सेल। हाँ तो बेटा 90% जो साइटोप्लाज्म है, 80-90% साइटोप्लाज्म जो रहता है उसमें ये जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, देख रहा कितना बड़ा है वैक्यूल, है यस सर, ठीक है, बहुत बड़ा है। चलो समझ जाके बात, तो वैक्यूल जो रहेगा वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा भैया, प्लांट सेल में रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा जगह ऑक्यूपाई करता है, अराउंड 80-90% वॉल्यूम जो रहता है सेल का, ठीक है, मतलब एक सेल है तो सेल, हाँ बोलो सर, वैक्यूल का कलर येलो होगा कि वो कलरलेस है? नहीं बेटा ऐसा कोई वो तो डायग्राम है ना, कलरफुल डायग्राम है तो सबका कुछ ना कुछ कलर दिखा दे, ऐसा येलो येलो नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो, तो स्टेनिंग के ऊपर रहता है ना, स्टेनिंग करोगे तो जैसे स्टेनिंग होगा वैसा वो दिखता है, ठीक है, तो अच्छा तो क्लियर है ये, है ना, वो डायग्राम है बेटा, डायग्राम में थोड़ा कलरफुल बनाया जाता है ना ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देख। तो वैक्यूल जो रहेगा वो प्लांट सेल में रहेगा, है ना, ये मान के चलो कि 90% वॉल्यूम ऑफ सेल इज कवर्ड बाय वैक्यूल, ठीक है बेटा। अभिजीत आप पहली बार आ रहे हो क्या क्लास में? नो सर, पहले आ चुके हो सर, अभी सर 2-3 क्लास में आया था सर। अच्छा, अभी न्यू एडमिशन, हाँ ठीक है, चलो जैसे कुछ नहीं समझ आएगा तो पुराने क्लास का ना वीडियो लेक्चर जो है वो ले ले, है ना? हाँ सर, वो ग्रुप में भेजे हैं ना, वो देख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, गुड। चलो तो वैक्यूल जो रहता है ये प्लांट सेल में रहेगा, 90% के आसपास का जो वॉल्यूम है बेटा सेल का वो कवर करता है वैक्यूल के द्वारा। और क्या खासियत है भैया वैक्यूल का बोलिए? वैक्यूल जो रहता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेले है, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले, सारा चीज आता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले है, सेल ऑर्गेनेले है, ठीक है। और क्या रहेगा, देखो जो काम लाइसोसोम कर रहा था वो सारा चीज वैक्यूल के द्वारा होता है। तो जैसे भाई वैक्यूल क्या होता है कि इसके अंदर जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है जो सेल को अभी काम नहीं, वो सब वैक्यूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो भाई कार्बोहाइड्रेट है, कोई स्टोर्ड फूड है, ठीक है, या कोई लिपिड है, या कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल क्यों ना हो, तो जो भी चीज अगर कुछ समय के लिए रखना है सेल को तो सब वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है, समझ आ रहा है बात, है ना? Yes, इसमें
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में हम लोगों ने देखा था, तो ये सारा चीज इसमें रखता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वैक्यूल के अंदर अगर एक सेल है ना, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ठीक है, अगर वैक्यूल के अंदर मान के चलो ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस ए है, है ना, और यहाँ पर भी सब्सटेंस ए है, ये अगर मैं बोलूँ कि भैया ये 60% है और यहाँ पर सब्सटेंस ए जो रहता है ये 40% है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? वैक्यूल में, हाँ वैक्यूल में है, है ना, ये क्या बेटा, ये वैक्यूल है, तो हायर कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वहां पर मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, तो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल में बहुत सारे ऐसे आयन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के भी मटेरियल का मूवमेंट को अलाउ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं है तो यहाँ डाल दिया जाए स्टोर, चलो भेज हो गया, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, कभी कभी आता है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, समझ आया, ठीक है, हाँ yes. सर इसमें टोनो मतलब, टोनो का मतलब देखो, प्लास्ट का मतलब तो मेम्ब्रेन होता है, टोनो मतलब कैसे समझाऊं मैं हिंदी में इसको, तो इसका हिंदी का, देखो हिंदी का मीनिंग मैं देखता हूँ, हिंदी में मेरे को आ नहीं रहा क्या होता है टोनो मतलब, सर इंग्लिश में बता दो, एक मिनट रुको, टोनो, हाँ एक मिनट, चलो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्वेश्चन आते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन, इंटरनल डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो आपको कहाँ मिलेगा, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन जो आप पढ़ोगे ना, प्लांट फिजियोलॉजी है टर्म टू का जो टॉपिक है उसमें, ठीक है, तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना, इसको ध्यान रखें सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि एग्जाम में आता है भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा, कई बार आया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें दो मेम्ब्रेन, तो इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर एक इनर, ठीक है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली अगर हम देखें तो भैया सेल, एक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में ही आपको क्या मिलेगा, डीएनए आरएनए, ठीक है, आरएनए बाहर भी होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है जो सेल को कंट्रोल करता है तो वो डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्या बोला मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब खुद का प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म होता है, खुद का सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म भी होता है, मतलब कोई भी सेल जो है वो डिवाइड तभी हो पाता है जब उसके पास जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए या आरएनए, तो ही वो अपने आप को डिवाइड कर पाएगा, एक सेल से दो सेल तभी बनता है जब जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग
सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा फ्लोर होता है। 50 बार ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया किसके पास ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी क्या सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन है ना माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्या बेटा, ये आपको और कहां देखने को मिला था, कौन बताया कहां, बताओ सर क्या क्वेश्चन के, हाँ बताओ भाई विश्वंबर। अब जो सुने बेटा मोनेरा में बैक्टीरिया, मोनेरिया बैक्टीरिया में मैंने पूछा कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और कहां देखने को मिलता है, ठीक है, ये तो यूकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आपका भी सेल मेरा भी सेल, प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए स्पेशली आपको कहां मिलेगा, कौन से सेल में मिलेगा, मैं सेल ऑर्गेनेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से सेल में मिलेगा, तो बैक्टीरियल सेल में मिलता है, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरियल सेल में। याद आ रहा है आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मिड, याद आया प्लाज्मिड, यहाँ पर उसको प्लाज्मिड नहीं बोला जाता, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए भैया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है ये पूछा जाता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, अब सोचो एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डबल होने के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो भी होता है, एंड आरएनए एंड राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स वगैरह सब क्यों होता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर इसको मैं अलग लिख देता हूं, आरएनए राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, समझ आया बात, प्रोटीन सिंथेसिस। अब भैया प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, जनरली एक सेल करता है, किसके द्वारा करता है, डीएनए और आरएनए के द्वारा, तो सेल में जो डीएनए आरएनए होता है वही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम बनाएगा या हार्मोन बनाएगा, तो हार्मोन प्रोटीन एंजाइम ये सारी चीजें डीएनए के द्वारा ही बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सेंट्रल डॉग्मा एक मैकेनिज्म होता है, उसको आप क्लास 12 में पढ़ते हो, मे बी आप क्लास 10 में पढ़े हो कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जनरली सेल में पाया जाता है, लेकिन इसके पास खुद का ये मैकेनिज्म भी होता है क्योंकि इसके पास डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम्स है, और राइबोसोम का क्या काम होता है मैंने बताया आप लोगों को, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, चाहे वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ में हो या एमआरएनए के साथ में जुड़ा हो, ठीक है, समझ आया बात। अब दूसरी चीज इसमें जो राइबोसोम होता है, है ना, अच्छा यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा मतलब किस टाइप का होता है, 70S या 80S? 80S. 80S. यहाँ पर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जनरली 70S राइबोसोम किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में आपको 70S मिलता है, दैट इज प्रोकैरियोट, और यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा, 80S राइबोसोम, 80S, हाँ ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें 80S राइबोसोम है, बिल्कुल है, ठीक है, 80S राइबोसोम है इसमें, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो राइबोसोम मिलता है दे आर 70S टाइप, ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है दे आर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिमिटिव सेल टाइप का मैकेनिज्म रखता है, ठीक है, समझ आ रहा बात, ठीक है, तो प्रोकैरियोट के जैसा 70S राइबोसोम, प्रोकैरियोट के जैसा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये सब पाया जाता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है 500 बार नीट में, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से ही पूछ, ठीक है, समझ आ रहा बात, नीट है ना, नीट में जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से ही एग्जाम में पूछा जा रहा है सारी चीजें, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई बार आपसे पूछ देता है 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, अलग अलग फीचर क्यों होते हैं,
बेटा क्या होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं जो नीट में पूछा जाता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है इट इज फॉर, माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए है भैया? एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेटरी एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इट इज फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ सेल, रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ सेल, ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ सेल, समझ आ रहा है? तो सेल जब रेस्पिरेटरी प्रोसेस करता है, जैसे रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में रहता है? एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी बनाता है, ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को डेमो में ये सारी चीजें मैंने बताया था, एक बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये मेनली इसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है बॉडी के कुछ सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कई बार क्या होता है बेटा बॉडी के कुछ ऑर्गेन में, तो लाइक जैसे मसल सेल वगैरह हो गया, वहां पर जब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कोई एक सेल को कितनी एनर्जी की डिमांड है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर कितना होगा, अगर किसी सेल में एनर्जी डिमांड बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है कोई सेल, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा, ठीक है, अगर कोई सेल बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, मतलब वो सेल का बहुत ज्यादा काम है, हाईली फंक्शनल है वो कोई सेल, तो ये जो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया इसका नंबर उसमें बढ़ जाएगा, और नंबर ज्यादा रहेगा तो भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पावर डेवलप, समझ आया बात, ठीक है, जैसे भाई आप लोग जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें पांच बैटरी की जरूरत है, तो कभी कभी क्या होता है बैटरी लो हो जाता है, तो आप क्या करते हो, जैसे बैटरी कम है अपने पास तो क्या करते हो, चार्ज भी लगाते हैं, नहीं नहीं पांच बैटरी है, जैसे वो AA साइज वाला जो है ना, पांच बैटरी है, तो पांच बैटरी आपके पास दो ही नया बैटरी है, तो आप क्या कर देते हो, दो पुराना बैटरी निकाल के दो नया बैटरी डाल देते, ठीक है, तो ये क्या किया आप लोगों ने, रिप्लेसमेंट, एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, दो को हटा के दो को डाल दिया और ये एडजस्ट कर दिया, कायदे से पांच बैटरी थी तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पांच से ही पूरी होगी, ठीक है, अब दो बैटरी डालोगे तो वो कुछ हल्का सा काम करेगा, क्योंकि पावर देने वाला जो सेल है दैट इज जो बैटरी है, पांच में से दो ही में ज्यादा पावर है, बाकी सब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है, तीन सेल जो होते हैं ना वो सिर्फ सर्किट कंप्लीशन के लिए होता है, तो कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज को जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, मतलब किसी सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, तो डिपेंडिंग ऑन सेल फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम से ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर, तो अब देखते हैं इसका जो डायग्राम है ना, वैसे तो एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का, बट थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से समझा दें कि भाई जैसे मान के चलो ये थोड़ा सा ओवल सॉसेज शेप, अलग अलग शेप का होता है ये, है ना, और ये स्टेनिंग करना पड़ता है इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, आउटर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनर जो है ऐसा आपको क्या मिलेगा बेटा, फोल्डेड मिलेगा, इनर फोल्डेड होता है ऐसा, क्या बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन को, ऐसा जो फोल्डेड होता है क्रिस्टा, ठीक है, इनर इनर
फोल्डेड मेम्ब्रेन। तो ये जो फोल्डिंग होता है वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? इनसाइड इनसाइड, है ना। Yes. तो ये जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में आता है क्रिस्टा या क्रिस्टे, TAE भी यूज करते हैं, क्रिस्टे या क्रिस्टा। ठीक है, समझ आया बात? Yes, sir. चलो देन उसके बाद अब ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रहता है। हाँ बेटा, सब माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रहते हैं ना। क्या 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 बोले बेटा, क्या सेल में रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, क्या पूछना चाह रहे, मैं समझ नहीं पा रहा। सर हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है कि नहीं? नहीं, हर सेल में नहीं। हाँ, आरबीसी में नहीं होता। अपन देखें ना, आरबीसी में कोई सा सेल ऑर्गेनेल नहीं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं मिलते। बैक्टीरिया में भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट इज प्रोकैरियोट में तो होगा ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल में भी, ऐसे सेल में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है यूकैरियोटिक सेल, दैट इज आरबीसी, तो आरबीसी में एब्सेंट होगा, है ना, ठीक है। तो बट ऑलमोस्ट बाकी जितने यूकैरियोटिक सेल है, दो चार कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, बाकी सब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो रहता है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं वो, है ना, प्लांट हो या एनिमल हो, वो मेनली क्या करते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, और जहां भी ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी सिंथेसाइज होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन का यूज हो पाता है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी सेल ऑक्सीजन लेगा, लेकिन अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाता, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो अब ये कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन सा प्रोसेस है, ये जब आप रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ोगे ना तो वहां और अच्छे से क्लियर होता है। चलो तो अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखिए कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूस है, और अंदर फोल्डिंग आपको मिलेगा इनर मेम्ब्रेन, है ना, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। तो ये फोल्डेड है, तो बेटा इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पूरा अंदर में ऐसा फोल्डेड रहता है, ठीक है। ये तो 2D डायग्राम है, तो इमेजिन करो पूरा 3D रहता है, ठीक है। तो एक छोटा सा 3D डायग्राम जो रहता है आपके लिए पेश है, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये दिख रहा है आप लोगों को, आउटर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इनर जो रहता है क्रिस्टा, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्रिस्टा ऐसा फोल्डेड है पूरा, है ना। Yes, अब इनके, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ऐसा, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपको फ्लूइड फिल्ड स्पेस मिलेगा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फ्लूइड फिल्ड स्पेस मिलेगा, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है काफी लंबा चौड़ा साइक्लिक प्रोसेस होता है, है ना, और काफी लंबा चौड़ा मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। तो मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा भैया, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कुछ टाइप के एंजाइम होंगे, लेकिन ये जो हम लोगों ने देखा इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलेंगे, है ना, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैट्रिक्स में भी आपको कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलते हैं, ये सब आप पढ़ोगे वहां पर, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, देन उसके बाद ये जो क्रिस्टा है, ये जो क्रिस्टा है इनर फोल्डिंग है, इसके अंदर आपको F1 पार्टिकल भी मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है, ETS सिस्टम बनाने में हेल्प करता है,
ऐसा ऐसा, ये आपको क्या मिलेगा, F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ये नाम है। क्या फंक्शन होता है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक्चुअल में जो एनर्जी प्रोसेस होता है ना बेटा, एनर्जी बनाने का प्रोसेस, एटीपी बनाने के समय बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, एटीएस ना एटीसी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाने में हेल्प करता है। तो ये इज अ पार्ट ऑफ जो एनर्जी, जो F1 पार्टिकल है, ये ऑक्सीजोम है, ठीक है, आगे पढ़ोगे, ये सब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, है ना। इसका तो काफी बड़ा है, इसका डायग्राम जो रहता है आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन चैप्टर में, इसको पूरे डिटेल में पढ़ते हैं हम, मैट्रिक्स को अंदर पूरा झांक के देखेंगे, ये मेम्ब्रेन को पूरा देखेंगे, इसमें चैनल्स होते हैं F1 पार्टिकल में, वो सारा चीज हम देखेंगे। एटीपी यहीं पर जनरेट होगा, इस F1 पार्टिकल की मदद से एटीपी जनरेट होता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। F1 पार्टिकल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम, ठीक है, समझ आया बात इतना? यस सर, यस। तो ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है ना, और ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। अच्छा भाई, इतना हो गया तो आपको इतना मालूम चल गया कि भैया इसमें डीएनए रहता है, राइबोसोम्स रहता है, खुद का आरएनए रहता है, 70 राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है इसका, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड हो सकता है। तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा, सेक्सुअल या ए सेक्स? भाई माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकता है, मैंने बताया आप लोगों को। यस सर, यस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये सेक्सुअल, मतलब डिवाइड होगा कैसे, भाई सिंपल सा है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल करेगा फिजन के द्वारा, है ना। Yes. दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फिशन के द्वारा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो हटा दें इसको। Yes. ये दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इधर का बहुत। हाँ बोलो सर, आपने एक बार बताया था कि मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद भी वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, तो सर वो क्यों, ऐसा तो डाउट था। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, नहीं बोला बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन जीरो करते हैं। मैंने ये कहा था कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज के समय मसल सेल एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर, ठीक है। भी करते हैं का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आप पढ़ाई करने के लिए हो अभी, भाई आपका प्राइमरी वर्क क्या है, स्कूल, कोचिंग, अल्टीमेटली पढ़ाई, खाना सोना पढ़ाई, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस। आपका प्राइमरी वर्क क्या है घर में, झाड़ू पोछा बर्तन? हाँ। अरे प्राइमरी वर्क है क्या वो? नो सर। हाँ, या लड़के लोगों का बाहर जाके काम वाम करना, पैसे कमाना, नहीं तो कई लोग पार्ट टाइम करते होंगे ना, समझ लो, बट क्या आप लोगों का प्राइमरी वर्क है बाहर जाके मजदूरी करना, काम करना, दुकान संभालना, ये प्राइमरी वर्क नहीं? तो आप लोग अभी स्कूल स्टूडेंट, तो आप लोगों का प्राइमरी वर्क जो रहता है वो पढ़ाई है, बोलो हाँ हाँ है ना, बोलो भाई। लेकिन लेकिन अगर घर में भाई नहीं आई, काम वाले नहीं है, दुकान में लड़के नहीं है, ठीक है, बाहर का कोई काम करना है, मम्मी या पापा अवेलेबल नहीं है, मम्मी पापा जो है वो बाहर का काम नहीं कर पा रहे हैं, या घर का काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ इशू के कारण, या फिर कोई भी उनका मन नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को वो काम भी करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ सकता है, बाहर अगर किसी का दुकान है तो दुकान भी संभालना पड़ सकता है, बाहर का काम भी निपटाना पड़ सकता है, जो है मम्मी या पापा का। तो क्या आप लोग यही सब काम करते हो? नहीं। तो दे आर द एक्सट्रीम कंडीशन, तो एक्सट्रीम या जरूरत के समय पे आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपका प्राइमरी वर्क अभी भी क्या है, पढ़ाई, तो आप पढ़ाई के साथ वो भी करते हैं। तो वैसे ही मसल सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा उससे काम कराओगे तो वो एनएरोबिक भी रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी बनाता है, समझ आया बात? यस सर, यस सर। तो इसको हटा रहा हूँ।
ये जो भी वर्ड है ना, ठीक है, कई बार एग्जाम में ना ये एक एक दो दो वर्ड से ही ना क्वेश्चन को घुमाते हैं, एनएरोबिक ही या एनएरोबिक भी, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो yes, चलो देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, प्लास्टिड. Yes, प्लास्टिड. प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो रहेगा वो किसमें प्रेजेंट रहेगा, इन ऑल प्लांट सेल, ठीक है, ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स कहाँ पर है भाई? प्रोटिस्टा. यूग्लिनॉइड्स प्रोटिस्टा में पढ़े हो, ठीक है. चलिए अब प्लास्टिड में, प्लास्टिड जो रहता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना, एंड कलर डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन प्लास्टिड. तो कौन से टाइप के प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट है उसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है, ठीक है. तो अगर मैं देखूं इसके टाइप्स, प्लास्टिड के टाइप्स, तो क्या क्या होगा? हाँ बोलो सर. प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है ना? क्लोरोप्लास्ट, देखो वही बता रहा हूँ, इसका डिवीजन है, ठीक है. प्लास्टिड के टाइप्स, प्लास्टिड के टाइप्स में क्या क्या बात करता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट ऐसा, प्लस एंटी. प्रेजेंट को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इतना लंबा लिखने के बोलते है ना. तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, बोले सर, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. तो तीन टाइप के प्लास्टिड हम लोग पढ़ेंगे, वैसे होते और भी हैं, बट ये तीन कैटेगरी मेजर है जिसको आपको पढ़ना है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. तो ल्यूको वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने कई बार बताया है आपको. व्हाइट, कलरलेस, है ना, व्हाइट या कलरलेस बोल सकते हैं, ठीक है, व्हाइट या कलरलेस, ठीक है, है ना, व्हाइट या कलरलेस हम बोल सकते हैं, व्हाइट और कलरलेस. तो ये व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं. तो अब इसमें पिगमेंट नहीं है लाइक क्लोरोफिल वगैरह, है ना, ज़ैंथोफिल वगैरह, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो ये प्लास्टिड किस लिए है? ये स्टोरेज के लिए बने. ये जो कलरलेस है भाई, मेनली जो भी एक्चुअल में सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो पिगमेंट्स करते हैं, है ना, पिगमेंट जो होते हैं ना वो ही एब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक लाइट को, जैसे क्लोरोफिल, है ना, कैरोटीनॉइड्स. ये क्या करते हैं बेटा, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी हमको अलग अलग पत्तियों में कलर दिखता है. पत्तियों का कलर अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स. तो एक्चुअल में कलर आपको कैसे दिखता है, इसका फिजिक्स होता है, समझते हो बेटा? विदाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देयर इज नो बायोलॉजी, ठीक है? यस सर, मालूम है ना? यस सर, आप बताए हो, है ना, गाना गा चुका हूँ कई बार. यस, तो मेरी आवाज आ रही है? तो अब देखो बेटा, सीधी सी बात है कि आपको कोई भी कलर कैसे दिखता है, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं जो भी शर्ट का कलर है मेरा, है ना, वो कैसे दिखता है, हेयर का कलर आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि बोलो, लाइट इफेक्ट, लाइट लाइट जो रहेगा वो टकराएगा, और जो कलर है, जो जो भी कलर है वो जो रहेगा बेटा, उसका जो हायर वेवलेंथ है वो ज्यादा जाएगा रिफ्लेक्ट होकर. तो आपका जो रेटिना है वो कलर का जो वेवलेंथ है जो ज्यादा अमाउंट,
ठीक है, विब्योर होता है, तो जैसा वेवलेंथ होगा, जिस कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होगा वो कलर हमको दिखने लग जाता है। अब होते तो 7 कलर है ना विब्योर, तो लेकिन हमको कलर बहुत सारे दिखते हैं क्योंकि वेवलेंथ क्या होते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। तो जब वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हमको दिखना चालू हो जाता है कि भैया ये ब्लू है, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, वेरी लाइट ब्लू है, ठीक है ना, व्हाइटिश ब्लू है। तो ये क्या होता है, वेवलेंथ जो आपके आंखों में पहुंच रहा है वो वेवलेंथ डिसाइड करता है कि आपको कलर क्या दिखे। लेकिन अगर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले जो सेल्स होते हैं हमारे आंखों में वो काम ही नहीं करेंगे तो सादा जीवन विचार हो जाएगा। समझ आ रहा है बस, ठीक है, तो कोई कलर वलर हमको नहीं दिखने वाला, सब ब्लैक एंड व्हाइट जाएगा पुराने फिल्मों के जैसे, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, हाँ, तो वाइट या कलरलेस हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कलर का स्पेसिफिक वेवलेंथ जो रहता है टकरा के हमको नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें वो स्पेसिफिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं जो उस कलर ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। चलो ये सब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये क्यों होता है बेटा, फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज, ये मेनली क्यों होता है, फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज के हिसाब से अलग अलग चीजें स्टोर होंगी। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैंने जैसे बताया ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है भैया, ये इसमें कोई पिगमेंट विगमेंट नहीं है, कलर्ड पिगमेंट है ना, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये स्टोरेज के लिए है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या चीज स्टोर कर रहा है उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। तो अगर अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज कर रहा है तो वो अमाइलोप्लास्ट कहलाएगा, जैसे आलू में होता है, ठीक है, स्टोर स्टोर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। और क्या स्टोर कर सकते हैं, फैट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट या लिपिड, ठीक है, स्टोर फैट या लिपिड एंड ऑयल्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप। और क्या स्टोर करेगा भाई, 3 मेजर फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो एक होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ, बोलो, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर, यस। हाँ, चलिए अब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब, प्लास्ट तो प्लास्टिड से लिया गया है ना, लाइक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो कलरफुल प्लास्टिड्स को बोलते हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट। समझ आया बात, तो कलरफुल प्लास्टिड का मतलब है कि भैया अगर ये प्लांट में प्रेजेंट होगा, अगर ये क्रोमोप्लास्ट अगर प्लांट सेल में या टिश्यू में होगा तो वो डिफरेंट टाइप के कलर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंट टाइप के कलर जैसे येलो, ठीक है, ग्रीन, है ना, इस टाइप का जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा, डिफरेंट टाइप के कलर जो होता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स जेंथोफिल, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, दैट इज कैरोटीन, जेंथोफिल, इधर लिख दे रहा हूं इसको, उधर, ठीक है, कैरोटीन फॉर डिफरेंट कलर्स, ठीक है। क्रोमो मतलब कलर, क्रोमा वर्ड सुने होंगे आपको, यस सर, यस सर, है ना, डिफरेंट कलर्स लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पिंक इस टाइप, ठीक है, हाँ, पिंक पसंद है, ऐसा मेरे को नेवी पसंद है,
बट ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल्मों में बस जबरदस्ती का तमाशा बना दिए। एक्चुअल बहुत सारी चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब कोई भी चीज अगर बार बार बोलेंगे तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे या फिर आप उस चीज से फेमिलियर हो जाओगे। हाँ ऐसा होता है, एक्चुअल बहुत सारी चीजें हमको मनवाई जाती है बोल बोल के हमको मनवाते हैं लोग, ठीक है कि ऐसा है ऐसा ऐसा ऐसा। और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर बहुत बार चीजों को कोई चीज को सुने तो हम उसको मान ले। अगर एक स्टूडेंट को बोले तू गधा है गधा है गधा है गधा है गधा है तो वो मान लेगा अल्टीमेटली, मैं गधा ही नहीं यार, मेरे तो कुछ नहीं होना। ये ह्यूमन नेचर, इसीलिए सबसे पहले अपने आप को नीचे गिराना छोड़ना चाहिए किसी को भी, कि आपको सबसे पहले ये नहीं बोलना है कि भाई मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप बहुत बार रिपीट करेंगे तो आपका ब्रेन उस चीज को मान लेगा कि यार आप हाँ आप उस चीज को नहीं कर सकते, है ना। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन क्या है? आपका जो अनकॉन्शियस, जो सेमी कॉन्शियस ब्रेन होता है, मतलब एक पार्ट ऑफ ब्रेन जो आपको कोई चीज को प्रमोट करता है, ठीक है, खैर छोड़ो। तो वैसे ही है ना, तो कई बार बोलते हैं ना ये चीजें ऐसी होती हैं, गर्ल्स को ये पसंद है, बॉयज को वो पसंद है ना। कोई अगर बॉयज पिंक कलर का पहन लेगा तो बोलेगा अरे भाई है ना, गर्ल्स के पसंद वाला कलर का कपड़ा पहना है, अरे ऐसा कैसे। बट ये सारी चीजें सिर्फ कहावतें हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, है ना, वो सिर्फ साइकोलॉजी है। yes, तो क्रोमोप्लास्ट अगर है ना, तो इसमें क्या क्या होगा भैया? कंटेंस पिगमेंट्स, कौन कौन सा पिगमेंट्स? जेंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है, ऐसा फॉर डिफरेंट कलर्स। तो जिस टिश्यू में भी होगा प्लांट के, वो अलग अलग टाइप का कलर होगा, ठीक है ना, येलो, ऑरेंज, रेड एक्सेट्रा। अब आता है ग्रीन पिगमेंट, क्या बताया? क्रोमोप्लास्ट के बाद तीसरा क्या आएगा बोलो? क्रोमोप्लास्ट के बाद क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हो, यही पढ़ते हो मेनली, है ना? यस सर। क्लोरोप्लास्ट तो मेन हमारा जो बहुत ज्यादा काम का है, जो उसको आप लोग पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे मेनली क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, कंटेंस ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये दिख रहा है ना लास्ट का? यस यस सर। क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर के बदले में इसको पिगमेंट बस लिखूंगा, ज्यादा अच्छा है, इसको सेंटेंस खराब हो। कंटेंस पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो मेनली जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। तो हमको ग्रीन कलर जो दिखता है पत्तियों का, आप लोग देखे होंगे है ना, लीव्स का जो ग्रीन कलर दिखता है, हरा हरा बोलते हैं हरा भरा, तो जो हरा भरा रहता है मेनली वो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल के कारण हमको ऐसा दिखता है ना। तो क्लोरोफिल जो रहता है वो मेनली फॉर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे पिगमेंट मेनली हाँ बोलो सर, मतलब कोई भी प्लास्टिड में तीनों पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं कि सिर्फ एक ही रहता है? अलग अलग भी रह सकते हैं बेटा। ओके सर, अलग अलग भी रह सकते हैं, हाँ बोलो सर। जो पत्ती येलो कलर का हो जाता है तो क्या सर फिर उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है बेटा उसमें, जो येलो होता है मेनली उसमें फिर ज़ैंथोफिल होता है। ओके सर। येलो पिगमेंट है ना ये, ज़ैंथोफिल जो रहता है वो येलो होता है ये, ठीक है, ज़ैंथोफिल जो रहता है वो है ना। और सर जो रेड कलर का हो जाता है वो कैरोटीन होता है, कैरोटीन। ओके सर। कैरोटीन जैसे गाजर होता है ना? यस सर। गाजर खाया सबने? यस सर। तो वो रेड कलर देता है ना, येलो टू रेड, कैरोटीन जो होता है वो येलो टू रेड होता है, ठीक है। तो कैरोटीन पिगमेंट एक्चुअल में
हम बोलते हैं ना गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, एक्चुअल में गाजर में जो कैरोटीन होता है ना, गाजर में जो कैरोटीन होता है ये कैरोटीन से हमारी बॉडी, कैरोटीन से हमारी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती, एक्चुअल में विटामिन ए से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो बीटा कैरोटीन होता है, जो कैरेट में बीटा कैरोटीन पिगमेंट होता है, ठीक है, येलोइश रेड जो पिगमेंट होता है, उस बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए में, और इस विटामिन ए से हमारे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, मतलब मेंटेनेंस होता है विटामिन ए से आंखों की रोशनी, तो ऐसा होता है। एग्जाम में कई बार आता है कि गाजर खाने से आपको क्या मिलता है जो आंखों की रोशनी बढ़ता है, कैरोटीन या विटामिन ए, तो मेनली कैरोटीन मिलता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को बॉडी कन्वर्ट करती है, मतलब हमको विटामिन ए नहीं मिलता है, फूड से विटामिन ए नहीं मिलता है, हमको बीटा कैरोटीन या कैरोटीन पिगमेंट मिलता है, उसको हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है और यूज करती है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है, समझ आया बात। तो कैरोटीन मिलता है येलोइश टू रेड ऐसा टाइप का रहता है। चलो, तो ये जो पिगमेंट है इनका मेन काम क्या होता है, लाइट को एब्सॉर्ब करना, ठीक है, इनका मेन काम क्या रहता है, फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ, बोलो, लाइट, फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अब लाइट एब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब क्लोरोप्लास्ट का अपन एक डायग्राम देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। हटा दूं इसको मैं? Yes, समझ आ गया बात? यूको क्रोमो क्लोरो, है ना, इसमें से कौन भैया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, मेनली क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए हम ना ही ल्यूकोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ते हैं, ना ही क्रोमोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ते हैं, क्योंकि हमको फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट मदद करता है, ठीक है। चलो, तो ये तो टाइप्स हैं प्लास्टिड, तो आप लोगों को ये, इससे ये एक आइडिया मिलता है, व्हाट इज प्लास्टिड, प्लास्टिड इज नॉट अ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को नहीं बोलते हैं, प्लास्टिड जो रहता है वो डिफरेंट टाइप के पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स का एक रूप है, मतलब ये एक नाम है जो अलग अलग रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक रूप है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रुप ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। चलो, yes, हटा रहा हूं इसको, yes, समझ आ रहा बेटा, हरलीन बोलो, सो रहे हो क्या? yes, sir. अच्छा, yes, आप लोग बेटा, आप लोग ऑफलाइन का प्लान कर रहे हो क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही ठीक है करके, प्रैक्टिस अच्छी होगी, टेस्ट देने आप लोग आओगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा होगा, है ना, घर में मोबाइल से, क्योंकि गोला भरने की प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, है ना, हैंड रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों को, और हफ्ते में एक आध दो दिन भी आ जाओ, इससे क्या है, थोड़ा बहुत जो भी डाउट वाउट है कभी कभार अपन उसको डिस्कस कर लिए, हमने सामने पर्सनल कुछ डाउट्स है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं तो कई बार आप पूछ लो, थोड़ा सा उससे आपका रहेगा, मतलब एक दो दिन आ गए और टेस्ट में आ गए, है ना, रेगुलर है ना क्लासेस, ऑफलाइन रेगुलर, ऑफलाइन रेगुलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑनलाइन ही चाह रहे हैं, टाइम सेविंग और बहुत सारी चीजें होती है, तो बट हफ्ते में एक दो दिन अपन कर लेंगे और टेस्ट संडे को अपन कर लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा आप ठीक रहेगा, प्रैक्टिस, टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है सर, जो लोग वो ऑनलाइन ही देंगे, वैसे भी बेटा, वैसे भी आप सेंटर पे आओगे तो सभी लोगों को ऑनलाइन ही देना है, सभी लोगों को ऑनलाइन ही देना है, लेकिन साथ में एक पेपर भी देंगे जिसमें गोला भरना है, तो इधर गोला भरे इधर आंसर टिक किए मोबाइल पे, ठीक है, तो ऐसा करना रहेगा आप लोगों को, ठीक है, दो घंटे की बात है, ये प्रैक्टिस के लिए है, वो भी आप लोग जो है डिस्कस करके बता देना, ठीक है, क्या है, क्या आप लोगों का प्लान है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट,
इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अभी कर लें? सर अभी कर लेते हैं, अभी खत्म कर लेते हैं। चलो क्लास डायग्राम कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये भी क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, इट इज ऑल्सो अ प्लास्टिड, इज अ डबल मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दूसरा इसके पास वही डबल स्ट्रैंडेड, देखो डबल स्ट्रैंडेड को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको कैसे लिखते हैं, डी एस सी डीएनए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी एस सी डीएनए, है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। खुद का एंजाइम होगा, राइबोसोम जो होगा कौन सा होगा भैया, 70S, आरएनए भी होगा इनके पास, आरएनए भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखी, तो इसका अगर अपन डायग्राम देखें, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड डायग्राम है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन और बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अंदर में क्या होगा भैया, फ्लूइड होगा, अंदर में फ्लूइड होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर क्या बोले थे, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड था, मैट्रिक्स, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा में बहुत सारे ऐसा, जैसे सिक्के को एक के ऊपर एक रख दो, सिक्का समझते हो, पिट्ठूल खेलते थे, पिट्ठूल खेलते थे, तो पत्थर को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, या सिक्के को एक के ऊपर, तो वैसे ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है, एक के ऊपर एक ऐसा, बहुत सारे ऐसा अरेंज रहता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक एक जो होता है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड, एक सिंगल जो डिस्क है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। सर और कंबाइन को, कंबाइन को क्या बोलते हैं, ग्रेना या ग्रेना, ठीक है, कंबाइन को क्या बोलते हैं, ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है, ग्रेना और ग्रेनम। तो सिंगल सिंगल को बोलेंगे थैलाकॉइड और कंबाइन को बोलेंगे ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। अब ये जो थैलाकॉइड्स हैं ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते बीच बीच, यस, समझ आया बात सर? हाँ बोलो। ये पूरे ग्रेना का कोई कंबाइन मतलब पर्टिकुलर नंबर तो नहीं है ना, कि ये अगर 10 है तो सिर्फ 10 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा? नहीं ज्यादा, हाँ वो आगे पीछे रहे, ठीक है, ओके सर, ठीक है, अलग अलग रहे। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है आप देख रहे हो, ये कनेक्शन है बीच बीच में, ऐसा कनेक्शन बीच बीच में ऐसा कनेक्शन होता है, ठीक है, समझ आ रहा है बात? मतलब जो थैलाकॉइड है, एक ग्रेना का जो थैलाकॉइड्स है उनके बीच में ऐसा कुछ कुछ कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। और सर जिसका कनेक्शन नहीं है उसका, ये जो कनेक्शन को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, दो थैलाकॉइड या ग्रेनम के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको स्ट्रोमा लैमेले, नहीं है तो नहीं, ठीक है, कनेक्शन जरूरी है। हाँ बेटा, वो सब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे सब। सर भाई तो मैं पूछ रही हूँ, अगर जो कनेक्शन नहीं है फिर उसका क्या होगा? कनेक्शन रहता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, कनेक्शन रहता ही है, बहुत सारे जो रहते हैं ना एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प होता है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के
ना ही ग्लूकोज बनता है ना ही एटीपी बनता है, सभी के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पूरी दुनिया एक्चुअल में एनर्जी ही है, मैं बात कर रहा हूँ ये एनर्जी है, आप सुन रहे हो वो एनर्जी को सुन रहे हो। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज अ एनर्जी। ओम बोलते हैं ना ऐसे, ओम ऐसा बोलते हैं, ओम जो रहता है इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अपने जैसे वो करते ना योगा प्राणायाम, ये सब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ना। हम सुबह उठ के जब ऐसा जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, नहा के काफी देर तक अपन सूर्य नमस्कार करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब बोलोगे सन से कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, भैया सन जो उगता सूरज होता है उससे ढेर सारे डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं, है ना। बट हम इस जमाने जो जो लोग हैं सब अलाल, अपन लोग मतलब मैक्सिमम की बात करो ना, मैं ऐसा फालतू वर्ड नहीं यूज करूंगा, अलाल ऐसे बोलूंगा, बट हम लोग ज्यादा ये सब चीज को फॉलो नहीं करते, मतलब जो नहीं करते ना तो उठता ही हूँ सुबह। ठीक है, तो सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे बीमारियों का कारण भी होता है। जल चढ़ाते थे तो जल चढ़ाने से भी फायदा होता है, बहुत सारे जो पुरानी चीजें हैं उनका साइंटिफिक रीजंस हैं, बट हमको मालूम नहीं, सच बताऊं तो। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप मन से चाहोगे या कोई चीज आप बहुत ज्यादा सोचोगे करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं से डालोगे ना, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात, पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। हाँ, बस बस इसी टाइप का है। तो अब इसको इस चीज को गलत वे में अपने को इस्तेमाल नहीं करना है कि भैया मेरे को क्या बोलते हैं कैटरीना कैप से मिलना है, तो वैसा नहीं कि सोचने से हो जाए। तो आपका जो एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, ये ब्रेन के द्वारा होता है। टेलीपैथी करते थे पुराने जमाने में, मानो ना रामायण महाभारत में टेलीपैथी होता था ना। यस, मतलब एक जन मन से सोचा बाजू वाले को वो सुनाई देता है मन में बोलने से। yes, अच्छा, yes, sir. टेलीपैथी। तो जो एक्समैन सीरीज है ना मूवी, जिसमें सब म्यूटेशन हो जाता है, मतलब जो भी ह्यूमंस है वो उसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेटेड होते हैं वो लोग। ठीक है, म्यूटेटेड ह्यूमंस जो होते हैं जो चेंज हो चुके हैं, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, उसमें कई लोगों में टेलीपैथी का रहता है ना पावर, की मन से वो कोई चीज बोलेगा तो दूसरे को वो उसके मन में वो बता सकता है, मन ही मन में माइंड रीडिंग नहीं बेटा, सीधा अपनी आवाज को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाना बिना कुछ बोले, ये टेलीपैथी है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये सब साइंस है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई जानवर ऐसे ही बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड से, जैसे हाथी है, दो हाथी बात करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बात करें, लेकिन वो इतना लो डेसिबल का साउंड होता है कि हमारा कान उतनी फ्रिक्वेंसी को सुन नहीं पाता है, लेकिन हाथी के कान उस फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। आपको शायद नहीं मालूम हो, बाजू में खड़े होकर सुनेंगे तो सुनाई देगा। हाँ नहीं, आप कहीं से भी खड़े होकर नहीं सुनाई देने वाला, क्योंकि हमारे कान की सुनने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट है, इतने डेसिबल से इतने डेसिबल तक ही हम साउंड को हियर कर पाएंगे, उसके बाद के साउंड को हम बियर नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा कान जो है सुन तो सकता है लेकिन हम इरिटेट हो जाएंगे उससे ज्यादा, और बहुत लो डेसिबल का जो साउंड होता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक जो साउंड, उसको भी हमारे कान रिसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमारा जो ईयर्स वो एडेप्ट नहीं है। तो पुराने जमाने में जो ये रामायण गीता और जो महाभारत में जो टेलीपैथी होता था ना, एक्चुअल में सब इंफ्रासोनिक साउंड का फ्रिक्वेंसी को सुनने की शक्ति है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है साइंस। ठीक है, ये सब काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन धीरे धीरे मैं आपको बायोलॉजी के राज खोलते जाऊंगा। Yes. तो आप लोग रिसर्च करोगे तो कर लेना बात, बट आगे मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आज से 50 वाला छोड़ो बेटा, पढ़ाई छोड़ो, वो एक्स्ट्रा चीजें सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो और अच्छी बात है, दिमाग में कचरा नहीं आएगा। तो थैलाकोइड एक एक होता है, पूरे ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को ग्रेना या ग्रेनम बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिने इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या बात? यस सर, क्लियर है। Yes, तो अब ये जो चीजें हैं इसमें क्या होता है बेटा, क्वांटाजोम, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलाकोइड में। ठीक है, ऐसा ये क्वांटाजोम्स होते हैं, क्वांटाजोम्स।
ठीक है, ये जो रहता है बेटा इसमें आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट रेस को, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को। सर वो क्या लिखा है क्लोरोफिल पिगमेंट के पहले? क्वांटा जोन्स होते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो थैलाकोइड का जो सरफेस है ना बेटा, ये एक एंटीना के जैसा है ना, जितने भी ये जो थैलाकोइड्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जनरली लीव्स के मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, है ना, ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा, मेसोफिल सेल्स ऑफ मेनली नॉट ऑलवेज मेनली इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स में मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लीव्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट भरपूर मिलता है। तो ये जो लीव्स का जो सेल होता है, दैट इज जैसे ये लीव्स है, ठीक है, तो लीव्स में क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जो कि ऐसे बाहर की तरफ छतरी के अंदर सूरज की तरफ मतलब सन की तरफ इनका एक्सपोजर होता है ये सेल्स का, ठीक है, देखना बेटा आप लोग, पत्ती बाहर ऊपर की तरफ से ज्यादा ग्रीन होता है, नीचे की तरफ से लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, yes. है ना, सुबह देख लेना, है ना। तो ये जो रहते हैं दे आर मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में कूट कूट के भरा हुआ रहता है क्या, जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ग्रीन कलर होता है इसका लीव्स का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आपको थैलाकोइड मिलेगा, थैलाकोइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वांटाजोन्स होते हैं, और इसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेगा जो कि सन की तरफ ऐसा देखते रहेगा, ठीक है, जैसे ही सनलाइट गिरता है तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे एनर्जी सिंथेसाइज करता है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस में चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, कैसे होता है, काफी इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, ये बिल्कुल सरफेस पर रहता है, वैसे बहुत सारे जो स्टैक्स हैं, स्टैक्स मतलब एक के ऊपर एक लाइन, तो ये सब में आपको क्लोरोफिल सन की तरफ ऐसा एक्सपोज मिलेगा जो सनलाइट को फटाफट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है सर, वीडियो बंद, चलो फिर, हाँ चलो फिर अपन रखते हैं, है ना सर, यस सर, बोलो सर, जो कल की टेस्ट है उसमें एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन अटैक।